तो भाई इसे कहते हैं असली बर्थडे सेलिब्रेशन गिफ्ट, क्योंकि अल्लू अर्जुन का बर्थडे जैसा कि 8 अप्रैल को आता ही है, तो 8 अप्रैल को जब अल्लू अर्जुन बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर रहे थे तो उसी के बीच में हम पब्लिक को मिला अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल्स का ग्लिम्स। ग्लिम्स ऐसा बोलेंगे तो एक झलक है जैसे बचपन में लोगों को झांकी दिखाई जाती थी, पर ये झांकी इतनी ऑथेंटिक है और इतनी सस्पेंसिबल कहानी को रिकमेंड करती है। पर इन लोगों को ये बात मुझे काफी अच्छी लगी कि प्रमोशन करना है अपनी मूवी का तो सही टाइमिंग क्या होता है, तो इसी की बात हम करेंगे पुष्पा 2 द रूल्स की प्लॉट स्टोरी क्या बताती है, क्योंकि भाई इतनी स्टोरी एंथेटिक है, सस्पेंसिबल है, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा पुष्पा 1 में पुष्पा को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे तिरुपति जेल में रखा गया था, पर यह कहानी अब उससे आगे एक्सपेंड करती है जहां पे पुष्पा तिरुपति जेल से भाग चुका है और उसके ऊपर पुलिस ने तकरीबन 8 से 10 फायर किए हैं जिसमें से उसको 8 फायर लगे हैं उस पर, और इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस को यह भी लगता है कि वो मारा जा चुका है, पर कुछ यूनिट को लगता है कि वो अभी जिंदा है और उसके पीछे पुलिस की एक स्पेशल यूनिट लगाई जाती है, वो भी सेसाचलम के जंगलों में जो उसका होम घर रह चुका है, आपने देखा ही होगा वो बंदा वहीं पे अपने चंदन की स्मगलिंग करता था, तस्करी बोलेंगे, और उसकी एक शर्ट भी बरामद हुई। अगर पल चोटी से उसकी शर्ट में 8 फायर भी दिखाए गए जो कि मीडिया अपने आप में एक अलग नमक छिड़क रही है उसकी न्यूज़ को और बढ़ा चढ़ा कर बता दिए कि वो मारा जा चुका है, पर यहाँ कुछ और ही बात है जहाँ की पॉलिटिकल स्पीच बीच दे रही है कि भाई किसी को 8 गोली लगने के बाद वो जिंदा रहता है। लेकिन मजा तो यही है कि भाई वो पुष्पा है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। साथ में उसकी अच्छाई बुराई को भी पूरे ग्लिम्स में दिखाया गया है काफ़ी अच्छे से, कि बंदा पैसे तो कमाता था जहाँ पब्लिक भी उसका काफी सपोर्ट कर रही है, वो जमीन पे उतर गई है भाई अपने एज अ भाई बोलेंगे दंगे फसाद कर रही है, रोडों पे आके भाई बस बस तोड़ दे रही है उसकी। उसी के बीच में भाई उस पर धारा 144 भी लगी है, तकरीबन 1 महीने तक उस पूरे तिरुपति में इतने दंगे फसाद किए इसकी पब्लिक ने, क्योंकि अल्लू अर्जुन का प्यार ही उतना है एज अ भाई, वो पुष्पा तो बने ही हैं। और उसी पैसे के बीच में भाई पब्लिक हमें ये भी क्लियर इसी में कर देती है कि पुष्पा पैसे कमाता था वो भी बुरे काम से, यही बस पुलिस को देखने को मिलता है, पब्लिक को पता है। लेकिन यहाँ असली कहानी पब्लिक बताती है कि पुष्पा ने भाई हम हमारे बच्चों के लिए हार्ट ऑपरेशन करवाए जिससे मेरा एक लड़का भी ठीक है, बच्चों के लिए पढ़ाई के स्कूल भी खोलवाए, साथ में कई लड़कियों की शादी भी कराई और पब्लिक के लिए घर भी बनवाया। तो यही पब्लिक का प्यार भाई उमड़ कर बाहर आया है और वो दंगे फसाद करने पर मजबूर करवा रहा है। और इसी के साथ मीडिया नमक पे नमक तो छिड़कती जा ही रही है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, पुष्पा मर चुका है या कहीं चाइना में जाके छुपा है, कई कंट्री में ऐसा बवाल मचाए हैं। पूरे ग्लिम्स में वही दिखाया गया है कि पुष्पा के पीछे पड़ी है, क्योंकि इसका ऑफिशियली ट्रेलर में टाइटल यही है कि हुयर इज पुष्पा, भाई पुष्पा गुम है, तो उसी के पीछे पूरी कहानी ऑथेंटिक बना रही है। पुष्पा 1 में ही इतना क्रेज़ था तो इसके पीछे ही इतना क्रेज मचा दिए, जहाँ पे लास्ट में जब एज इट ही पूरा ट्रेलर खत्म वाला होने वाला होता है तब आता है असली मिर्च मसाला। और यहाँ न्यूज फिर एक धड़ाके से न्यूज़ देती है कि जो हम लोगों ने जंगल में वाइल्ड वाले कैमरे लगाए थे एज अ भाई जानवरों पर नज़र रखने के लिए वाइल्ड लाइफ कैमराज, उनमें अब सीन कैप्चर हुए उसी को एज अ पब्लिक डिमांड पे एज अ पब्लिक वो लोग पब्लिश कर देते हैं। और इसी में पता चलता है कि भाई पहले सीन तो जो शेर आता है वो दिखाया गया और वो शेर एज इट इज किसी को देख के हट जाता है, तब कहानी वहीं पे सीक्वेंस आती है, तब एंट्री होती है अपनी रियल अल्लू अर्जुन एज अ पुष्पा फॉर्म में, वो वहीं पे अपना जलवा दिखाते हुए दिखते हैं। और इसी में पब्लिक को इतनी खुशी मिलती है, पब्लिक पूरी खुश हो जाती है भाई पुष्पा मरा नहीं है जिंदा है। और एज इटिंग लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में इतना दिखा दिया है कि अब पुष्पा भाव बोलते हैं कि अब मेरा रूल होगा एज अ हंटिंग के बाद, क्योंकि वो इतने दिन तक बाहर रहा है और अपने आप को काफ़ी बड़ी दिक्कतों से डाला है, 8 गोली लगने के बाद भी जिंदा था। तब कहानी बहुत आगे घूमती हुई आ गई, बंदा वापस आ गया, बैकअप मार दिया और इसके बाद तो काफ़ी बवाल मचाएगा क्योंकि पहले ही इतना कुछ उसके पास था, अब तो उसके पास पब्लिक भी आ गए क्योंकि उसने इतने अच्छे काम जो किए हैं। और इस भाई पूरे ग्लिम्स को देख कर एज अ झलक को मैं दिमाग से भाई पागल हो गया कि अब देखो ये घूस बूम इतना औसम क्रेज मचाएगा। और पब्लिक तो भाई इतना डिमांडिंग रख रही है और अप्रैल में इसको दे दिया गया है, तो इवन अभी इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि पुष्पा 2 द रूल्स कब आएगी। और इसमें भाई काफ़ी एक्टर्स तो अपने आप हैं ही, वही पुराने एक्टर हैं, एक आध दो एक्टर और नए जुड़े हैं, पर अब ये जान लो कि अपर लेवल राज करेगा, अभी तक जितना था सिंडिकेट के मेंबर तक अब कुछ नहीं कर पाएंगे। और भाई आपको ये ग्लिम्स देखकर कैसा लगा आप अपने ओपिनियन कमेंट में करना, और जब इसका ऑफिशियली कोई क्लिप आएगी या ट्रेलर आएगी तो हम बात करेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए देखते रहिए HBT Explain, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।